नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अभिभाषकों के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार को लेकर लंबे समय से संघ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करता रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वचन पत्र में शामिल करने के बाद भी इस ओर ध्यान ना देने से नाराज अभिभाषक संघ ने मध्य प्रदेश राज्य अभिवक्ता संघ के आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की एक बार फिर मांग दोहराई गई। अभिभाषकों ने जल्द ही एक्ट लागू करने की मांग की है। सन 2007 से ये बात हमारी लगातार जारी है। सन 2012 में तत्कालीन राज्य सरकार ने इस बात को मान भी लिया था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की जब सरकार आई, उन्होंने अपने वचन पत्र में इस बात को कहा भी कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, लेकिन कतिपय तीन मंत्रियों के विरोध करने के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से रह गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और राज्य सरकार से ये निवेदन करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्द लागू करें। विदिशा से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।